के बारे में बात करना चाहूंगा। करीबन 20 जिलों के अंदर ये बार बार टिड्डी दल आ चुका है और कृषि विभाग और राजस्थान के जितने भी जिला कलेक्टर्स हैं और ग्रामीण जन जो किसान है सबने प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाई है। भारत सरकार के अधिकारी भी साथ में थे। कई जगह स्थिति पहाड़ी क्षेत्र में ऐसी बनी हुई है जहां हमारे पास मशीनरी ऐसी है नहीं तो ड्रोन का उपयोग किया गया। हाल ही में ड्रोन भारत सरकार ने उपलब्ध कराया है, हालांकि उसकी क्षमता तो कम है कीटनाशकों ऊपर ले जाने की, क्योंकि वो करीबन 8-7 मिनट उड़ पाता है, उसके बाद में कीटनाशक खत्म हो जाता है, फिर दोबारा फील करके फिर उसको उड़ाया जाता है, उसकी बैटरी बदली जाती है, टाइम लगता है। पर फिर भी जहां पहाड़ी इलाका है उसमें यदि ज्यादा तादाद में यदि ड्रोन काम में ले जाए तो कारगर साबित हो सकते हैं। दूसरा, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी हमने आपको भी पत्र लिखा है कि वो ग्राम पंचायतें या वो जनप्रतिनिधि चाहे सरपंच हो या किसान हो जो जागरूक होकर इसमें काफी मदद करते हैं। अभी जयपुर के आसपास के गांवों में हमने देखा कि बड़ी तादाद में किसानों ने बड़े हौसले के साथ में अधिकारियों के साथ मिलकर टिड्डी को मारने का काम किया। एक बिजली विभाग को भी हमने कहा है कि कई बार रात को जब टिड्डी बैठती है या टिड्डी दल वहां जिस गांव में बैठता है तो वहां पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इमरजेंसी सेवाओं के लिए बिजली विभाग को कहा गया है कि भाई वो हमारे पानी के टैंकर भरने के लिए लाइट चालू करे, क्योंकि वो बिजली की जो शिफ्टिंग होती है तो कई बार ऐसा लगता है कि जिस गांव में बैठ गई वहां लाइट गायब रहती है। तो वहां के एक्शन एसी को और कलेक्टर साहब को ये आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, विभाग की तरफ से कहा गया है कि भाई वो इमरजेंसी में लाइट चालू करे ताकि हमारी जो मशीनरी है वो पानी का उपयोग कर सके। ये कुछ बातें हैं, बाकी नई मशीनरी भारत सरकार ने कहा है कि और आ रही है और कुछ मशीनरी जो उनके पास है वो लगातार काम कर रही है। पर राजस्थान में जो कृषि विभाग है जो इसको देख रहा है, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करके अनुदानित जो दवाई है जो फ्री कर दी गई है, पहले 50% थी, इस बार 100% फ्री कर दी है, उसका उपयोग हो रहा है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि अब लोग किसान भी जागरूक हो गए। हमारे नौजवान पीढ़ी जो गाँव में है जिन्होंने 50 साल में 60 साल में कभी टिड्डी देखी नहीं, उन लोगों को भी पता चल गया कि टिड्डी क्या होती है। जयपुर जिले में मैं कई गाँव में घूमा तो बूढ़े बुजुर्ग ये कहते थे कि हमने कभी टिड्डी देखी नहीं, वो एक राम जी का घोड़ा के नाम से जरूर उसको जानते थे पर पहली बार उन्होंने इतनी बड़ी टिड्डी देखी है। तो लोगों को कई गांव में उत्सुकता भी थी कि इसको मारो, तो लोग खुद निकल निकल के ट्रैक्टर लेके दवाई डलवा के खुद स्प्रे कर रहे थे। तो ऐसी जागरूकता पूरे प्रदेश में बनी हुई है। घोड़ा है, कैसे मारोगे उसको? है सर, राम जी के घोड़े को घोड़ा है। पुराने जमाने में हमारे लोगों की मान्यता थी कि राम जी का घोड़ा हमने जरूर देखा है। सब जगह थी पर उसको ऐसे मानते थे, क्यों कम तादाद में होते थे वो। बिल्कुल, जिस तादाद में अब आई है तो लोगों को लगा कि उससे मिलता जुलता है। इस बार गुलाबी कलर की आई है, ताकतवर है और हवा के साथ लंबा मूवमेंट करती है, 100-150 किलोमीटर हवा के साथ में चली जाती है, जाके दूसरी जगह बैठ जाती है। तो कोशिश की जा रही है, रिजल्ट ठीक है, विभाग पूरा जागरूक है और निश्चित तौर पर इस पर जब भी समय समय भी आक्रमण हो रहे हैं उसको हम इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। विभाग में हमने नई भर्ती भी करी है, अभी डब्ल्यूओ की भर्ती जो कोर्ट में अटकी हुई थी 250 लोगों की, उसका क्लियरेंस मिल गया है, उनको भी हम पोस्टिंग दे रहे हैं। 51 आदमी दूसरे जिलों से लगाए हैं जहां संख्या कम थी और अधिकारियों के आज कोर्ट में तारीख थी 18 से जो कृषि पर्यवेक्षकों की जो भर्ती का मामला है उसमें भी शायद आज कुछ होगा। तो उसकी नई भर्ती करके हम ये चाहेंगे कि इसमें हम पूर्ण रूप से हमारे कृषि पर्यवेक्षकों को लगाकर और इसको हम पूरी ताकत के साथ में टिड्डी को, क्योंकि चेतावनी बड़ी है और चेतावनी है भी खतरनाक और ये जहां बैठती है वहां किसान के लिए कुछ नहीं छोड़ती, तो किसान भी परेशान है, राज्य सरकार पे भी पूरा दबाव रहता है, पूरा पैसा खर्च होता है, ये सब संभावनाएं बनी हुई है तो इसमें लगे रहे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।